गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस रिएक्शन का मैं एग्जांपल आपको सिखाने वाला हूं। नाइट्रेशन इस रिएक्शन को आप एसई रिएक्शन भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन को मैं जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था। आज मैं इसकी आपको मैकेनिज्म सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप नाइट्रेशन की मैकेनिज्म देख लीजिएगा। मैकेनिज्म आपको देखना है। इस रिएक्शन को पहले तो मैं आपको सिंपली बता दूं। मैकेनिज्म बताने से पहले ये है आपका बेंजीन रिंग। इसका हमें नाइट्रेशन कराना है तो HNO3 प्लस H2SO4 ये दोनों ही कंसंट्रेट है। रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रोफाइल NO2 आ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है। ये नाइट्रेशन की रिएक्शन है। इस रिएक्शन की हमें मैकेनिज्म सीखना है तो सबसे पहले ये तीन स्टेप में इस रिएक्शन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको सीखना है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। ये रिएक्शन को तीन स्टेप में बांट के आपको सिखाऊंगा। ये बहुत ही सिंपल हो जाएगी। मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में आपको क्या करना है देखिए, इसमें HNO3 आपने कंसंट्रेट लिया है प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ये भी कंसंट्रेट है। रिएक्शन करेंगे तो इसमें बनता है NO2 पॉजिटिव प्लस 2HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ये इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल है जिसे नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बस आपको इलेक्ट्रोफाइल लगना हो गया। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में आप नेक्स्ट चीज क्या होगी, अटैकिंग by electrophile upon ring। Too far carbocation ये बनेगा इसमें। इस रिएक्शन को देख लीजिएगा कैसे अटैक करेगा। यहां पर मैं बेंजीन रिंग ले रहा हूं। ये रहा आपका बेंजीन रिंग। इसमें ये एच अटैच है। ये पाइगोन यहां पर ट्रांसफर होगा। ये काम कब होगा
जब इसकी हम NO2 पॉजिटिव से रिएक्शन कराएंगे यानी इलेक्ट्रोफाइल से, ऐसा करने पर हमारी ये तीन कंडीशंस बनती हैं यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला स्ट्रक्चर देखिए, इसने यहाँ अटैक किया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा, एच पहले से ही था और यहाँ पर एनओ टू जुड़ जाएगा इसका अटैचमेंट। अब हमारे पास कौन से बॉन्ड बचते हैं, ए टू बॉन्ड हमारे पास होंगे। अगली स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, ये देखिए अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये बॉन्ड जहाँ था वहीं रहेगा, ऊपर वाली चीज में नो चेंज यानी NO2 जहाँ था वहीं रहेगा, ये देखिए। थर्ड स्टेप में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अगली कंडीशन क्या होगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो अगला स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, इस बॉन्ड में नो चेंज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, ये एच जहाँ था वहीं रहेगा और NO2 यहाँ पर अटैच रहेगा। अब इनका तीनों स्ट्रक्चर का जो मिला जुला रूप होगा यानी आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनता है वो ये होगा। देखिए तीनों में यहाँ से यहाँ तक कोई बॉन्ड नहीं है, तो इस बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आधा जहाँ तक बॉन्ड थे और बीच में ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर H और यहाँ पर NO2, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप से इसको बताते हैं और यहाँ पर HSO4- नेगेटिव ये बाहर रहता है, ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यानी ये स्ट्रक्चर बना। ये स्ट्रक्चर को हम तीसरी स्टेप में लेंगे, थर्ड स्टेप में हम ये अटैकिंग बाय इलेक्ट्रोफाइल है और अब की बार जो आपको रिएक्शन कराना है वो ये रिएक्शन होगी। आप इस हेडिंग से याद रखिए, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस, यहां पर बेस क्या है, HSO4 नेगेटिव यहां पर ये है, टू फॉर नाइट्रोबेनजीन। अगली स्टेप में ये बन जाएगा, देखिए मैं ये वाले स्ट्रक्चर को ले लेता हूं यहां, इसे ऐसा नहीं बनाना है, सॉरी आपको वही स्ट्रक्चर को यहां पर दिखाना है इस तरीके से डॉटेड लाइन द्वारा, बीच में पॉजिटिव चार्ज, यहां पर H लगा हुआ है और दूसरी साइड में NO2। एब्स्ट्रैक्शन प्रोटॉन का होना है, काय के द्वारा होना है, HSO4 नेगेटिव इस बेस की रिएक्शन कराएंगे, ये प्रोटॉन यहां से निकलेगा तो ये बॉन्ड कहां पहुंच जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यानी इसमें से इस पोजीशन को आप देख सकते हो। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ये होगा। अब देखिए ये बॉन्ड ये कंप्लीट हो गया, तो यहां पर हम कंप्लीट रिंग को लगा सकते हैं, ये फुली रिंग आप यहां पर आप दिखा सकते हो, और यहां पर एच हट गया तो क्या बचेगा, केवल NO2 और प्लस ये एच एच एस ओ फोर से मिल करके क्या बना लेगा, एच टू एस ओ फोर, इसका जो नाम होगा ये ही है हमारा नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। ये कंप्लीट रिएक्शन है आपकी तीन स्टेप में,
इसको याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग बाय इलेक्ट्रोफाइल और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, ये तीन स्टेप में इसकी रिएक्शन होती है। और सिंपली अगर आपको याद रखना है तो ये डायरेक्ट रिएक्शन को भी आप याद रख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो NO2 है, जो मैं पहले वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर केवल आपको क्या याद रखना है, मैकेनिज्म याद रखना है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि ये रिएक्शन कैसे बनी, तो ये रिएक्शन आपने अगर याद कर लिया आपका काम चल गया, लेकिन आपको ये मैकेनिज्म अगर सीख लेते हैं तो तीन स्टेप बार बार बताऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैकिंग बाय इलेक्ट्रोफाइल अपॉन बेंजीन रिंग। तो इसने बेंजीन रिंग पर अटैक करके ये स्ट्रक्चर बनाया, जिसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताया है, और ये कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस, HSO4 यहां पर बेस का काम करेगा। इसको मैं एक बार और लिख देता हूं यहां पर बेस, कंप्लीट। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाइट्रेशन के आगे अगला सल्फोनेशन सिखाने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।